एक अच्छे एक्शन कैमरा के सपने क्या बजट में पूरे होंगे? SJCAM तो लिखता है एम्पावर योर ड्रीम्स। तो आपकी डिमांड पे SJCAM का ये एक्शन कैमरा SJCAM ड्यूल स्क्रीन 4K एक्शन कैमरा है। इस पे लिखा है वाईफाई एनेबल्ड है, तो बगैर समय गवाए देख लेते हैं कैसा रहेगा। इसकी अनबॉक्सिंग मैं पहले कर चुका हूँ, आप वो वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा। फिर भी एक नजर में ये कुछ मिलता है इस एक्शन कैम के साथ। चलिए अब इसका वीडियो, ऑडियो, लोलाइट परफॉर्मेंस, स्टेबलाइजेशन, वो सब कैसा रहेगा और आपको ये लेना चाहिए या नहीं, वो सब देखेंगे। पर पहले वीडियो क्वालिटी। ये वीडियो प्रेजेंटली 4K 30fps के ऊपर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हालांकि 4K 30fps के ऊपर इसके अंदर स्टेबलाइजेशन का कोई ऑप्शन आपको नहीं मिलता। मैंने इसको सेल्फी स्टिक के ऊपर माउंट किया है, लगभग सेल्फी स्टिक को मैंने 1.5 फीट के आसपास एक्सटेंड कर रखा है, क्योंकि नजदीक करने के ऊपर यहाँ पे इसके अंदर जो वाइड व्यू है वो काफी क्लोज दिखाता है, इतना ज्यादा वाइड व्यू इसके अंदर है नहीं। अगर सनलाइट हो, सन की तरफ आप चेहरा करके चलेंगे तो ये कुछ वीडियो क्वालिटी मिलेगी इस एक्शन कैमरा से आपको, और सन आपके बिल्कुल पीछे हो तो वीडियो क्वालिटी कैसी मिलती है उसका एक बार अंदाजा हो जाए। कितना HDR है, कैसा है, ये बैलेंस कर पाएगा, वो सारी चीज़ें। और प्रेजेंटली ये जो वीडियो है वो 2K 30fps के ऊपर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कैसी वीडियो क्वालिटी मिल रही है, अभी मेरे चारों तरफ छाया है, पेड़ की छाया है, और यहाँ पे कभी धूप कभी छाएँ का हमें मिलेगा, तो उससे एक बार अंदाजा हो जाए कि इसकी डायनेमिक रेंज कैसी है और कैसा स्टेबलाइजेशन देता है। तो पेड़ों के नीचे से जब आप गुजरेंगे तो ये कैसा इफेक्ट दे पाएगा, क्या अपने आप को एडजस्ट कर पाएगा, उसका एक बार आपको अंदाजा हो जाए। अब ये जो वीडियो क्वालिटी मिल रही है वो है 1080p 60fps के ऊपर, WDR ऑन है, और 1080p 60fps के ऊपर भी आपको जो इसका स्टेबलाइजेशन है, जायरो स्टेबलाइजेशन, उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। किस तरीके से कलर्स को मेंटेन कर पा रहा है, HDR में मेंटेन कर पाएगा कि नहीं, उसका एक बार आपको अंदाजा हो जाए, इसलिए ये एक छोटा सा वीडियो है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जब मैं छाया से निकल के, हालांकि रोशनी इतनी कम नहीं है, बहुत ज्यादा है, दोपहर का टाइम है, लगभग 11:15 बजे के आसपास का टाइम है, और सन की तरफ जब जाते हैं तो चेहरा सामने हो, तो ये कुछ वीडियो क्वालिटी इससे मिलेगी। कैसी है आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये वीडियो मैं 1080p 30fps के ऊपर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 1080p 30fps के ऊपर WDR आप ऑन कर सकते हैं, उसके साथ साथ जायरो स्टेबलाइजेशन भी इसके अंदर ऑन है, और कैसे स्टेबलाइज कर पा रहा है उसका एक बार आपको अंदाजा हो जाए, और कैसे ये मेंटेन कर पाएगा फोकस को, लाइट को आपके चेहरे के ऊपर गिरती है या आप जब लाइट में जाते हैं, छाया में से एकदम से रोशनी के अंदर जाते हैं, तो कैसा इफेक्ट पड़ेगा, और ऑडियो इसकी कैसी आ रही है 1080p 30fps, क्योंकि इसके अंदर बेस्ट ऑप्शन यही मिलता है 1080p 30fps। 4K लिखा हुआ है इसके ऊपर, बट 4K के ऊपर आपको ना स्टेबलाइजेशन मिल रहा है ना कुछ हो, तो कैसी क्वालिटी मिलेगी वो आप अंदाजा लगा सकते हैं। सेल्फी स्टिक के ऊपर इसको मैंने माउंट किया है, और अगर मैं इसको हाथ में लेके चलूं और पूरे हाथ को एक्सटेंड करता हूं तो ये इतना आपको चेहरा ये दिखाई देगा, और सेल्फी स्टिक के ऊपर करता हूं तो थोड़ा सा वाइड व्यू और मिल जाता है। अब 1080p 30fps के ऊपर ये कैसा स्टेबलाइज कर रहा है, उसके लिए एक बार फुट वाइब्रेशंस को देखेंगे, और देखते हैं चलते हैं यहाँ पे कितने फुट वाइब्रेशंस इसके अंदर आते हैं कि नहीं आते, कैसी वीडियो क्वालिटी देगा। आप टेक्सचर ग्राउंड के ऊपर जो ग्रास वगैरह है या घास है, इस तरह की चीजें देख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसी वीडियो क्वालिटी होगी इससे, और साथ के साथ आप ओरिजिन के साथ भी देखना चाहते हैं तो कैसा स्टेबलाइजेशन ये देगा, ये आप देख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ पे। और देखिए अब स्टेबलाइजेशन कैसा दे रहा है उसका एक बार आपको अंदाजा हो जाए। टेक्सचर आप देख सकते हैं यहाँ पे। स्टेबलाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे पूरी पिक्चर हिल रही है, आप देख सकते हैं सामने का, सारी चीजें हिल रही हैं, स्टेबलाइजेशन अप टू द मार्क नहीं है, एक्शन कैमरा में ऐसा नहीं होना चाहिए। स्टेबलाइजेशन देख के ऐसा लगता है शायद वो लिख के भूल गए कि इसके अंदर स्टेबलाइजेशन भी देना है। तो लो लाइट कंडीशंस के अंदर कुछ इस तरह की वीडियो क्वालिटी इसके साथ मिलेगी। ये वीडियो मैं 1080p 30fps के ऊपर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कैसी है क्वालिटी आप अंदाजा लगा सकते हैं। इमेज स्टेबलाइजेशन ऑन है, और उसके साथ साथ यहाँ पे डिस्टोर्शन कैलिब्रेशन भी मैंने ऑन कर रखा है। 4K 30fps के ऊपर कुछ इस तरह की क्वालिटी आपको मिलेगी लो लाइट के अंदर, हालांकि यहाँ पे इमेज स्टेबलाइजेशन ऑन नहीं है, फिर भी जैसी भी है आपको एक बार अंदाजा हो जाए। और अगर आप रूम के अंदर बैठ के वीडियोज रिकॉर्ड करेंगे तो इस तरह की कुछ वीडियो क्वालिटी मिलेगी इस एक्शन कैमरा के साथ आपने। ये 1080p 30fps के ऊपर रिकॉर्ड की जा रही है। रूम के अंदर इस तरह की वीडियो क्वालिटी मिलेगी इस एक्शन कैमरा से। अनबॉक्सिंग के दौरान ही मैं एक छोटा सा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। उनके साथ इन्होंने सबसे अच्छी बात की, एक ऊपर लगाने के लिए ढक्कन, और उसके साथ एक
साथ ये अमेजन डॉलर सिक्का नहीं बेचते, इसके साथ इन्होंने भेज दिया है सिक्का। अच्छी चीज़ ये है कि इसके साथ एक माइक भी आता है, इस माइक की हेल्प से हम इसको देखते हैं रिकॉर्ड करके कि कैसी ऑडियो क्वालिटी हमें मिलेगी। ये मैंने कुछ इस तरीके से इसके ऊपर यूएसबी टाइप सी का माइक है, 1080p 30fps के ऊपर ही हम रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं कैसी ऑडियो क्वालिटी देगा ये। जो कैमरा है वो लगभग मेरे से 2 फीट की डिस्टेंस के ऊपर है और जो ऑडियो अब आएगी वो इसी के साथ आएगी। मैं एक बार रिकॉर्डिंग शुरू करता हूँ, इसको लगा लेते हैं अपने कॉलर के ऊपर। अब जो ऑडियो क्वालिटी आप सुन रहे हैं वो इसके माइक से है, इसका जो एक्सटर्नल माइक, यहाँ पे मैंने यूएसबी टाइप सी का एक्सटर्नल माइक लगाया है, इसी की हेल्प से आप ऑडियो सुन पाएंगे। ये क्वालिटी है ऑडियो की, कैसा ये मेंटेन करता है, नॉइस को कैंसिल कैसा करता है, क्योंकि यहाँ पे हवा बहुत चल रही है और हवा चलने के बाद किस तरह की ऑडियो क्वालिटी ये ले रहा है आपको उसका एक बार अंदाजा हो जाए। तो ऑडियो कैसी आ रही है एक बार मैं आपको अंदाजा दूँ, क्योंकि ये जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है आप देख रहे हैं वो DJI का पॉकेट 2 है और यहाँ पे ये SJ कैम है, दोनों ही माइक मैंने लगा रखे हैं। प्रेजेंटली जो आप ऑडियो सुन रहे हैं वो डायरेक्ट मेरे DJI के माइक से है जो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, तो वो मैंने देखे दोनों माइक लगा रखे हैं। ये DJI का कैमरा है, इससे जो ऑडियो है वो रिकॉर्ड हो रही है और अभी जो ऑडियो आप सुन रहे हैं वो जो SJ कैम का एक्सटर्नल माइक मैंने लगा रखा है उसके साथ है। कैसी ऑडियो क्वालिटी है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, हवा भी चल रही है और उसके साथ कैसी ये नॉइस को कैंसिल कर पा रहा है, एयर की नॉइस को, एक बार उसका भी आपको अंदाजा हो जाए। 4K 30fps इस कैमरा के अंदर आपको मिलता है पर उसके अंदर स्टेबलाइजेशन नहीं मिलेगा, तो फिर क्या आप इस तरह से रख के ही उसमें यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज 4K 30fps इस कैमरे का किसी काम का नहीं है। और 4K ही नहीं, 2K के अंदर भी यही ऑप्शन है, सिर्फ 1080p 30fps के अंदर आपको इसके अंदर स्टेबलाइजेशन मिलता है, जायरो स्टेबलाइजेशन, उसके अलावा किसी भी हायर फ्रेम रेट के ऊपर भी नहीं मिलता, 1080p 60fps के ऊपर भी नहीं मिलेगा या 720 के भी जो हायर फ्रेम रेट्स है उसके ऊपर नहीं मिलेगा। तो आई थिंक 4K कैमरा के बजाय इसको 1080p कैमरा करना चाहिए था, क्योंकि जिसमें स्टेबलाइजेशन ही इवन 2K पे नहीं दे पा रहे तो क्या फ़ायदा है, सोचना चाहिए। अब यहाँ पे इसके साथ जो एक बड़ी समस्या मुझे देखने को मिल रही है वो है टच स्क्रीन, आप कितना भी टच करते रहें बड़ी मुश्किल हो जाती है इसको टच करना, रेस्पॉन्स ज़्यादा अच्छा नहीं है स्क्रीन का, काफ़ी बार इसके ऊपर देखिए टैप करना पड़ता है तब जाके कई बार ये ले पाता है। चलिए अब बात करते हैं कि आपके लिए कैसा रहेगा, काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी इस एक्शन कैमरा की मिल जाती है, SJ कैम इस मामले में तो काफ़ी अच्छा है। और बैटरी लाइफ की बात करें तो 1200mAh की बैटरी इसके अंदर दी गई है, एग्जैक्टली बैटरी लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि वो डिपेंड करती है आप किस तरीके से वीडियोज़ रिकॉर्ड करते हैं, किस माहौल में रिकॉर्ड करते हैं, तो वो सबके लिए परफॉर्मेंस सेम रहे ये ज़रूरी नहीं है। बट फिर भी इसकी बात करें यहाँ पे लगभग 1.5 से 2 घंटे का बैटरी बैकअप आपको मिल जाता है। और फोटो वीडियो क्वालिटी की बात करें तो 12 मेगापिक्सल के फोटोज़ आप इससे ले सकते हैं, वीडियो क्वालिटी आपने देखी ही है, इससे पहले SJ कैम का SJ6 लीजेंड हमने रिव्यू किया था। वीडियो क्वालिटी की बात करें तो उससे कुछ कम ही लेवल मुझे यहाँ पे इसका देखने में मिला, चाहे लो लाइट की बात करें या फिर आप नॉर्मल डे लाइट की बात करें। सॉफ्टवेयर फंक्शनैलिटी और वाईफाई ऐप की बात करें तो वो लगभग जो आपको SJ कैम के मिलते हैं वो सारे फीचर्स इसके अंदर भी आपको लगभग सेटिंग्स जो एक्शन कैमरा के लिए चाहिए वो मिल जाती हैं, बट दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट एक्शन कैमरा में तो सबसे ज़रूरी चीज़ें होती हैं, पहली है स्टेबलाइजेशन, और स्टेबलाइजेशन इसकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, वो चाहे आप इसको हाथ में लेके चलें, बाइक पे माउंट करें, किसी भी तरीके से करें, बहुत ही पुअर क्वालिटी का स्टेबलाइजेशन देता है। और दूसरा है कितना वाइड एंगल देता है, जहाँ तक मुझे लगा ये लगभग 150 डिग्री के आसपास, जो क्योंकि इसके कहीं भी मैनुअल के अंदर या कहीं पे मेंशन नहीं कर रखा कि कितना वाइड एंगल है, बट जो मुझे अंदाज़ा लगा दूसरे एक्शन कैमराज के साथ कंपेयर करके तो लगभग मुझे लगता है ये 150 डिग्री के आसपास का वाइड एंगल देता है। अब सीधी बात, लें या ना लें, और सीधा जवाब आप इसको स्किप कर सकते हैं क्योंकि प्राइस रेंज 10,000 से ऊपर जा रही है, स्टेबलाइजेशन बिल्कुल ख़राब है, वीडियो क्वालिटी इससे बेटर दूसरे एक्शन कैमराज के अंदर आपको मिल जाती है, बैटरी लाइफ नॉर्मल दूसरे कैमराज जितनी ही है, और टच स्क्रीन का परफॉर्मेंस भी ज़्यादा अच्छा नहीं है, 4K के ऊपर आपको स्टेबलाइजेशन मिलता ही नहीं है। बेटर यही होगा 10,000 रुपये के बजट में, इवन उससे भी कम कई एक्शन कैमराज अवेलेबल हैं, बहुत सारे एक्शन कैमराज का मैं रिव्यू कर चुका हूँ, उन सब के वीडियोज चैनल के ऊपर अवेलेबल हैं, वहाँ से आप कोई भी बेटर एक्शन कैमराज आप अपने लिए चूज कर सकते हैं। मोटो व्लॉगर्स, कंटेंट क्रिएटर्स, सबके लिए मैंने अलग अलग एक्शन कैमराज वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वीडियोज के अंदर सजेस्ट किए हैं, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग
रिकॉर्डिंग, उनमें से कोई भी एक्शन कैमरा चूज कर सकते हैं, बट स्किप दिस। और आपका कोई भी क्वेश्चन या सुझाव हो तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखिए। सो दिस वॉज ऑल अबाउट फॉर द डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।